खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, सांसद हैं बलायू से। मैम, जिस तरीके से ये घटना घटी है, हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे? हैदराबाद का एनकाउंटर तारीफ काबिल है। मैं तेलंगाना पुलिस की तहे दिल से सराहना करती हूँ, उन्हें सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया और देश के हर क्षेत्र में यदि बहन बेटी के साथ ऐसे जघन्य अपराध हो तो हर पुलिस को ऐसे कदम उठाना चाहिए ताकि हमारे देश की बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मैम, इस तरीके की भी आवाजें उठ रही हैं कि बेहतर होता कि कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन कर इनको जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलती। कानून की प्रक्रिया में कई बार सालों साल लग जाते हैं, अगर आपको याद हो तो निर्भया कांड, और जब आरोपी कानून की चिंता नहीं करता है, वो कानून का उल्लंघन करके बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध करता है, तो ऐसे अपराधियों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में एनकाउंटर ही सही तरीका है? अगर इस निर्णय को पुलिस ने लिया है तो निश्चित तौर पर सही है। हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी यदि वो आसपास अपने पुलिस को देखती हैं तो।